राजस्थान के श्री गंगानगर करमपुर विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार और राजस्थान के मंत्री सुंदरपाल सिंह ने अपना वोट डाला। आपको बता दें राजस्थान के करमपुर विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। गंगानगर के जिला कलेक्टर आशदीप ने कहा कि करमपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया, मतदान शाम 6 बजे तक होगा। चुनाव परिणाम 8 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। करमपुर गंगानगर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी तत्कालीन विधायक गुरमीत सिंह पुनर के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। निर्वाचन क्षेत्र में कुल 249 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर करमपुर विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार और राजस्थान के मंत्री सुंदरपाल सिंह ने अपना वोट डाला। आपको बता दें राजस्थान की करमपुर विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। गंगानगर के जिला कलेक्टर आशदीप ने कहा कि करमपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया, मतदान शाम 6 बजे तक होगा। चुनाव परिणाम 8 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। करमपुर गंगानगर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी तत्कालीन विधायक गुरमीत सिंह पुनर के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। निर्वाचन क्षेत्र में कुल 249 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर करमपुर विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार और राजस्थान के मंत्री सुंदरपाल सिंह ने अपना वोट डाला। आपको बता दें राजस्थान की करमपुर विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। गंगानगर के जिला कलेक्टर आशदीप ने कहा कि करमपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया, मतदान शाम 6 बजे तक होगा। चुनाव परिणाम 8 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। करमपुर गंगानगर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी तत्कालीन विधायक गुरमीत सिंह पुनर के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। निर्वाचन क्षेत्र में कुल 249 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर करमपुर विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार और राजस्थान के मंत्री सुंदरपाल सिंह ने अपना वोट डाला। आपको बता दें राजस्थान की करमपुर विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। गंगानगर के जिला कलेक्टर आशदीप ने कहा कि करमपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया, मतदान शाम 6 बजे तक होगा। चुनाव परिणाम 8 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। करमपुर गंगानगर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी तत्कालीन विधायक गुरमीत सिंह पुनर के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। निर्वाचन क्षेत्र में कुल 249 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।